ये कार्रवाई जो पीएफआई के पकड़े गए हैं वासित खान पुत्र बाबू खान, ये जो पूर्व में 18 लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें से एक दो लोग जो फरार चल रहे थे उसी में से एक थे। इसी भोपाल की एटीएस ने पकड़ा हुआ है। एटीएस के द्वारा जो अपराध पंजीबद्ध था 43/2022 उसी के अंदर इनको पकड़ा गया है। ये वासित खान पीएफआई की एक लीगल विंग थी NCHRO, उसका काम करता था और उसका वो महासचिव भी था जिसको पकड़ा गया है। इसको अभी 8 तारीख तक की पुलिस रिमांड पर लिया गया है पूछताछ में, और भी कई विषय खुलने की संभावनाएं। कांग्रेस के कार्यकर्ता कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री लिखते हैं और अरुण यादव कहते हैं कि कमलनाथ कांग्रेस में विधायक तय करते हैं मुख्यमंत्री। देखो, अरुण यादव जी वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वो प्रजातांत्रिक बात कर रहे हैं। और कमलनाथ जी स्वयं वो जनरल ऑफ अटॉर्नी, उन्होंने अपने होर्डिंग खुद ही लगा दी है भावी मुख्यमंत्री के रूप में। तो मेरी मान्यता ऐसी है कि अब ये बात उन्हीं की पार्टी के नेता लगातार उन्हें आईना दिखा रहे हैं। पहले प्रभारी ने कहा, अब आदरणीय अरुण यादव जी ने स्पष्ट रूप से उन्हें खारिज कर दिया है और कह दिया है कि ये विधायक बनेंगे, वो विधायक तय करेंगे या उनका नेता तय करेंगे। ये स्थिति अब कांग्रेस पार्टी की हो गई है। और कमलनाथ जी, सर मुख्यमंत्री युवा जनसेवा जो किए जा रहे हैं क्या योजना है? देखिए, हर चीज का उद्देश्य आप स्पष्ट मान के चलिए। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है, हमारी सरकार, हमारे नेता, मुख्यमंत्री जो भी काम करते हैं, स्पष्ट उनकी मानसिकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराएं, ज्यादा से ज्यादा विकास कराएं। आज भी आप देखेंगे तो 1,00,000 से अधिक रोजगार के अवसर सरकार के स्तर पर निकले हुए हैं, नौकरियां लग रही है, भर्तियां हो रही हैं। अभी पिछले हफ्ते हमने पुलिस विभाग का, आरक्षकों का, जो आप सब भी थे, और 2,50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर, लोन देना, सब्सिडी देना और रोजगार मेले हर महीने लगा करके अभी तक हम दे चुके हैं। ये सब उसी प्रक्रिया का अंग है।